हेलो बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्किन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अभी केमिकल प्रॉपर्टी 6 है, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन, ओजोनोलाइसिस। देखते हैं, अभी इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहले प्रॉपर्टी लेते हैं फर्स्ट, तो यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग एडिशन ऑफ, तो एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं H2। तो हम लोग अल्केन किस में पढ़ चुके हैं, तो अभी हम देखो यहाँ के क्या करते हैं। हमने यहाँ पे लिया RCH डबल बॉन्ड CHR, अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन। इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको याद होगा निकिल, निकिल लिया तो टेम्परेचर कितना लेना है, 473 to 573 केल्विन। अगर आपने लिया प्लेटिनम और पैलेडियम तो क्या करना है, इसको रूम टेम्परेचर पे करना है। तो अब ये हाइड्रोजन एक्रॉस, पहले हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन ऐड हो रहा है, ध्यान देना है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर यहाँ पे ऐड होगा आपका H, तो जहाँ प्रोटॉन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। तो अब यहाँ भी बनेगा आपका RCH2CH2R, अल्किन बन गया। ये पढ़ चुके हैं, इसको हमने सैबेटियर रिएक्शन बोला था, मतलब सैबेटियर सैंडरसन रिएक्शन बोला था, ठीक है ना। तो ये हमको आता है। अब यहाँ पे इथेन लिया तो इथेन, प्रोपीन लिया तो प्रोपीन, ऐसे एग्जांपल तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। ये हो गया एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। अब हम देखते हैं सेकेंड, एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन देखते हैं, ऐड करके देखेंगे अभी यहाँ पर। अब हमने यहाँ पे लिया अल्किन RCH डबल बॉन्ड CHR, अब इसे हमने हेलोजन ऐड कर दिया, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो हेलोजन जो लेने वाले, यहाँ पर हम सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन का ही यूज़ कर सकते हैं बस, ठीक है ना। तो अभी ये जो हेलोजन है तो वही अभी, अब जो भी ले रहे क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोनियमाइन, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोनियमाइन, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रहेगी। यहाँ बनेगा आपका R, ये हो गया C, यहाँ पे हो गया आपका X, यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड CHX, यार ये बनेगा इससे क्या आपका जेमिनल, क्या बन गया ये जेमिनल, सॉरी विसिनल, विसिनल डाईहैलाइड बन रहे हैं यहाँ पर, विसिनल डाईहैलाइड, विसिनल डाइहाइड बन गया, देखो, ठीक है ना। जो है ना, अभी क्लोर लिया तो 2 क्लोरीन, ब्रोमीन लिया तो 2 ब्रोमीन, अब अल्किन कौन सा लिया इस पर डिपेंड करेगा, सिंपल है, रिएक्शन देख लीजिए। तो विसिनल डाइहाइड बनेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियमाइन होगा या फिर ब्रोमोनियमाइन होगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। चलिए अब देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन HX, ठीक है ना। तो अब देखिए ज़रा, अब हमने यहाँ पर समझना है, पहले जनरल हमने लिया ये अल्किन लिया, ठीक है, अब इसमें हमने हाइड्रोजन हैलाइड ऐड किया, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुआ और X यहाँ पे हो गया, तो बन गया आपका ये अल्काइल हैलाइड, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया और X यहाँ पे हो गया, ये बन गया आपका अल्काइल हैलाइड। तो HX के ऑर्डर हमने अभी देखा था, HI मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr मोर रिएक्टिव देन HCl, याद है ना, HI मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr मोर रिएक्टिव देन HCl, तो ये मोस्ट रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है ना, ऐसा आपको करने का है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अल्किन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिमेट्रिकल अल्किन एंड अनसिमेट्रिकल अल्किन, देखते हैं अभी वो क्या होता है। सिमेट्रिकल अल्किन में डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम कंडीशन का, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, ठीक है, जो भी है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहले लेते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अल्किन, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पर, तो अभी हमने क्या किया, इधर लिया है, एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्ट छोटा हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, तो ये सिमेट्रिकल अल्किन। देखो अक्रॉस डबल बॉन्ड दोनों साइड सेम कंडीशन है, यहाँ पे एक कार्बन, एक कार्बन, हाइड्रोजन कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, तो कार्बन सेम है, मतलब दिस इज सिमेट्रिकल अल्किन। अब इसमें ऐड करते हैं हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड,
हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो अभी ऑब्वियसली अब ये एच को यहाँ पे ऐड किया तो एक्स उसके ऑपोजिट साइड, यहाँ पे एच किया तो उसके ऑपोजिट साइड एक्स, तो यहाँ पे पहले एच ही अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये, पहले बता देता हूँ, फिर बाद में आपका हैलाइड आयन अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ उससे बनता है आपका अल्काइल हैलाइड CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2X, बराबर है। आप यहाँ पे X अभी क्या लेते हैं, क्लोरी लेते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस पर डिपेंड करेगा, HCl, HBr, HI, ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल में एक ही प्रोडक्ट बनता है अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अनसिमेट्रिकल की, तो ये कौन सी रिएक्शन बोला मैंने, इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है क्रॉस डबल बॉन्ड, ये अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि एक्सपेरिमेंट से हमको मालूम चल रहा है क्या बनने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन देखते हैं। अब इसमें देखते हैं बी पार्ट, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स यहाँ पे ध्यान देंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, दिस इज अनसिमेट्रिकल। देखो इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, अनसिमेट्रिकल हो गया कि नहीं, अनइक्वल कंडीशन। अब इसमें मैंने HX लिया, तो यहाँ पे हेलोजन पे माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लगने वाला है मार्कोनिकॉफ्स रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल, तो क्या बोल रहा है मार्कोनिकॉफ रूल, व्हेन अनसिमेट्रिकल रीजन, देखो प्लस माइनस चार्ज है तो अनसिमेट्रिकल रीजन इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्किन, ठीक है ना। जब ये अनसिमेट्रिकल अल्किन रिएजेंट जब अल्किन में ऐड होगा, तो ये जो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट, ये कहाँ बजाएगा, जिस कार्बन पे, मतलब जो अनसैचुरेट कार्बन है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है, और ये उसके जाएगा उसके ऑपोजिट साइड, मतलब ये यहाँ गया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, क्योंकि H प्लस गया ना, तो पहले ये अटैक करता है फिर ये करता है एक्चुअली। तो यहाँ बन गया आपका दो प्रोडक्ट, एक मेजर एक माइनर, तो मतलब ये CH3CH यहाँ पे अटैक हुआ हैलोजन, तो ये मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूँ पहले, मेजर प्रोडक्ट, और फिर बाद में बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट CH3CH2CH2X, ये मेजर और ये माइनर, मेजर प्रोडक्ट है ये, अकॉर्डिंग टू रूल जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट, ऑपोजिट टू द रूल बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट। मतलब अब यहाँ पे याद रखना, अगर मार्कोनिकॉफ रूल लगा तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज अ माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अपने क्या लिया, एक्स क्लोरीन, तो यहाँ क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन तो ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन तो आयोडीन आयोडीन, ठीक है। तो ये तीनों के लिए HCl, HBr, HI के लिए है मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। मार्कोनिकॉफ का स्टेटमेंट फिर से समझ लीजिए, व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्किन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू दैट अनसैचुरेटेड कार्बन एटम विच कैरीज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक, तो जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ करना, अक्रॉस डबल बॉन्ड देखना, मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेट से कोई मतलब नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ लगेगा, जब अनसिमेट्रिकल अल्किन आएगा, या फिर अनसिमेट्रिकल अल्काइन भी ले सकते हैं आप, मैं रूल जनरल बता रहा हूँ। मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ लगा सकते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्किन और अनसिमेट्रिकल अल्काइन में, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका मार्कोनिकॉफ रूल। अब हम इसी में एक छोटा सा पार्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे आपने क्या लिया, परऑक्साइड लिया, अगर आपने यहाँ पे क्या लिया, परऑक्साइड ले लिया, या फिर कोई एग्जांपल हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड, ऑलरेडी एक्शन बेंजोइल परऑक्साइड लेना चाहिए, तो फिर ये सिर्फ HBr के लिए ही एप्लीकेबल है, ओनली फॉर HBr, नॉट फॉर HCl एंड HI, क्योंकि अब इसकी ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, तो फ्री रेडिकल में HBr की एनर्जी मैच होती है, HBr की एनर्जी होती है 363.7 किलो जूल पर मोल होती है इसकी, होती ये एनर्जी मैच होगी। लेकिन अगर आप बोलेंगे HCl क्यों नहीं मैच होगा, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो है 430.5 किलो जूल पर मोल, बहुत ज़्यादा है, परऑक्साइड इसको ब्रेक नहीं कर सकता, तो फ्री रेडिकल बनता ही नहीं, उसलिए ये हो गया कैंसल। अब हम बात करते हैं HI की जो एनर्जी होती है वो होती है 296.8 किलो जूल पर मोल,
तो ये बनाएगा आयोडीन फ्री रेडिकल, लेकिन ये आयोडीन फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल है, तो दूसरे आयोडीन फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा और बनाएगा आयोडीन मॉलिक्यूल, जबकि उसको अटैक करना चाहिए क्रॉस डबल बॉन्ड, नहीं करता, ठीक है। इसलिए HBR यहाँ पर एप्लीकेबल है, बाकी नहीं है, क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ HBR मैच विद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर ये पहले ये अटैक, अब इसमें क्या होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ लगने वाला, परोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिक, तो ये जाकर यहाँ पे अटैच और H जाकर यहाँ पे अटैच, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो ये यहाँ पर अभी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे BR आ जाएगा, यहाँ पे BR, तो ये हो जाएगा मेजर प्राइमरी अल्कलाइड, हो गया मेजर मार्कोनिक ऑफ का उल्टा अपोजिट, और ये हो जाएगा माइनर। अगर आपने परोक्साइड को हटा दिया कि ये हो जाएगा मेजर, वो हो जाएगा माइनर, उल्टा हो जाएगा फिर, परोक्साइड हटा दिया तो अब है उसके लिए ये मेजर और ये माइनर, देख लीजिए सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज़ अ इलेक्ट्रो, सॉरी इट इज़ अ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सिमेट्रिकल अल्किन लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आपने लिया अनसिमेट्रिकल अल्किन और उसमें परोक्साइड नहीं लेते हैं, मतलब मार्कोनिक ऑफ रूल लगाते हैं, तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर परोक्साइड लगाते हैं तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका रिएक्शन, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, अब देखते हैं फोर्थ, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी। तो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी का नाम है एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ वाटर लेना है वहाँ पर, और ये रिएक्शन ट्वेल्थ में भी है, हमने पढ़ी हुई है। तो देखिए यहाँ पर अब आपने यहाँ पे लिया अल्किन लिया, सपोज CH2 डबल बॉन्ड, एग्जांपल लेता हूँ सर ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। यहाँ पे लिया मैंने वाटर H और OH, ऐसा स्प्लिट करता हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड H, डाइल्यूट H2SO4। तो अब ये तो सिमेट्रिकल अल्किन है तो कोई रूल लगेगा नहीं, तो H को यहाँ पे अटैच किया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, प्रोटॉन गया ना उधर, और ये माइनस चार्ज ये जाके इधर अटैच, बराबर है। तो यहाँ बन गया आपका क्या, CH3 हो गया, CH2 से CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 और OH इथाइल अल्कोहल, बराबर है। अगर आपका ऐसा होता यहाँ पर देख लीजिए आप, इधर अगर ऐसा होता, एक उसको रहने देता हूँ, दूसरा एग्जाम बना देता हूँ, दूसरी कंडीशन समझ लीजिए, अनसिमेट्रिकल अल्किन आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल अल्किन, तब क्या होगा देख लीजिए आप। अब देखो अब यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्किन है तो मार्कोनिक ऑफ रूल लगने वाला है, तो अभी जो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिस कार्बन का सबसे कम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के ऑपोजिट साइड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, अब बनेगा आपका यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पे आ गया आपका OH और यहाँ पे आ गया CH3 2, मतलब प्रोपेन 2 ऑल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये बनेगा और ये मेजर प्रोडक्ट देख लीजिए। जब अनसिमेट्रिकल अल्किन है तो मार्कोनिक ऑफ रूल, जब सिमेट्रिक है तो कोई रूल नहीं, तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ वाटर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ, अब ऑक्सीडेशन, अब देखते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में दो कंडीशन दी हुई आपके यहां पर, पहला फर्स्ट डिस्कस करते हैं यहां पर। तो अभी हम क्या करते हैं, अल्कीन को क्या करते हैं, एक्वियस अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो है बियर्स रिएजेंट, उसका कलर होता है पर्पल, तो जैसे हमने ऐड किया अल्कीन में तो उसको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना देगा और उससे बनता है विसिनल ग्लाइकोल बनेगा। देखिए हम एग्जाम्पल देख के बनाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे एग्जाम्पल लिया हमने एक, प्लस यहाँ पे लिया वाटर, तो वाटर को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ H और OH और H, यहाँ पे लिया मैंने नेसेंट ऑक्सीजन, ये किससे प्रोड्यूस हो रहा है नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे हमने लिया एक्वियस अल्कलाइन, तो बेस्ट वर्ड ऐसा यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पर एक्वियस, यहाँ पे लेता हूँ मैं KMnO4 और OH ग्रुप, ये हो गया, इसको हम बोलते हैं बेयर्स रीजन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बेयर्स रीजन BAEYERS बेयर्स रीजेंट, ध्यान देना जरा, और इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। तो अभी देखो ये जो OH है वो यहाँ पे अटैच एक, अब ये दोनों ये ऑक्सीजन से मिल के बन गया OH, ये जाके यहाँ पे अटैच, तो अब यहाँ बना आपका प्रोडक्ट CH2OH CH2OH विसिनल ग्लाइकॉल, मतलब इसका जो नाम होगा क्या होगा, इथेन
वन टू डाई ऑल जनरल वर्ड हो गया इसका विसिनल ग्लाइकॉल, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल कॉमन ही भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये बनेगा। और अनसेचुरेटेड से सैचुरेट बन गया, इसलिए ये हो जाएगा इसका केमिकल टेस्ट। डबल बॉन्ड का मतलब अल्किन का केमिकल टेस्ट, अनसेचुरेशन का केमिकल टेस्ट, इसको बियर्स टेस्ट भी बोल सकते हैं आप उस साइंटिस्ट के नाम पर, ठीक है। ये एक ऑक्सीडेशन है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरी कंडीशन हम ऑक्सीडेशन में। अब देखेंगे दूसरी कंडीशन। अगर हमने यहाँ पे लिया है CH3 ध्यान देंगे जरा भी, इसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। किससे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं यहाँ पर, या तो हम लेंगे यहाँ पर एसिडिक KMnO4, एसिडिक लिए H प्लस आ गया, या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पर K2Cr2O7, वो हाइड्रोक मतलब ये भी सॉरी एसिडिक मीडियम में रहेगा H प्लस, या तो आप क्या लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो अभी तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ पर आपको इधर आपको दो ऑक्सीजन ऐड करना है, दो ऑक्सीजन अगर सी एच है डबल बॉन्ड के दौरान, इधर सी एच सी एच है तो दो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बन रहा है CH3COOH, मतलब यहाँ बन रहा है 2 moles ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब इससे क्या बन रहा है, अल्किन का ऑक्सीडेशन होकर बनेगा आपका कार्बोऑक्सिलिक एसिड, नहीं तो फिर कीटोन। उसमें कार्बोऑक्सिलिक एसिड दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट, कीटोन में दोनों सेम कीटोन या फिर दोनों डिफरेंट कीटोन, या फिर एक कार्बोऑक्सिलिक एसिड और एक क्या बनेगा कीटोन। अब यहाँ पे दोनों सेम कार्बोऑक्सिलिक एसिड है, अब डिफरेंट करना है, तो अभी हम क्या करते हैं इसको इधर ले लेते हैं, एक और कार्बन बढ़ा देते हैं, चलो CH2CH3। अब देखो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक, एक तो बनेगा एसिडिक एसिड से CH3COOH, एक बनेगा CH3CH2COOH, देखो दो बन गए CH3CH2COOH। प्रोपियोनिक एसिड मतलब प्रोपेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं अभी और एक। तो अगर हमने क्या किया, यहाँ पर ब्रांच कर दिया, यहाँ पे CH3 कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 कर दिया और यहाँ पे CH3, देख लीजिए इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, कंडीशन ऊपर की कोई एक ले लेंगे, ठीक है। अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, अब सिंगल कार्बन जो होगा तो एक ऑक्सीजन, जब CH होगा तो दो ऑक्सीजन, और CH2 रहा तो अगर यहाँ पर समझो यहाँ CH2 रहता तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, मैं सब कंडीशन बता रहा हूँ। तो यहाँ बनने वाला आपका 2 moles ऑफ एसीटोन CH3COCH3। अब मान लो ये ऐसा होता तो 1 mole एसीटोन बनता और 1 mole क्या बनता है एसिडिक एसिड, मिक्सचर ही बनेगा ऐसा, इस टाइप से आप बना लीजिए फिनिश, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए कितने ऑक्सीजन लग रहे हैं, यहाँ पे 2 लग रहे हैं तो 2 डालो, यहाँ पे 4 लग रहे हैं 4 ऑक्सीजन बैलेंस कर लेना, ठीक है ना, हो गया ये ऑक्सीडेशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे ओजोनोलाइसिस देखते हैं, अभी ओजोनोलाइसिस लास्ट रिएक्शन 6th ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ ओजोन। तो अब हमने यहाँ पे अल्किल लिया, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ओजोन ऐड करना है, तो ओजोन क्या करना है, ये दो कार्बन के साथ एक एक और एक दोनों के बीच में, एक एक कार्बन के साथ दोनों के बीच में एक, और यहाँ पे हम एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथा क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, मिथाइलिन डाइक्लोराइड ले सकते हैं, तो ये बनाते हैं ओजोनाइड CH2O CH2। देखो हो गया दोनों बीच में एक 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 ऑक्सीजन कार्बन के साथ हो गया। अब इसको क्या करते हैं, जिंक और वाटर के साथ इसको रिड्यूस करेंगे, तो ये ऐसा ब्रेक हो जाएगा, ये ओजोनाइड प्रोडक्ट हाईली अनस्टेबल होता है। तो देखो अभी HCHO, मतलब इससे बना 2 moles ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, या तो आप इससे एल्डिहाइड बनेगा या कीटो बनेगा, ठीक है, या फिर दो सेम एल्डिहाइड, दो डिफरेंट एल्डिहाइड, या फिर दो सेम कीटोन या दो डिफरेंट क्या बनेंगे कीटोन। तो अब शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, इसको डबल बॉन्ड से ब्रेक कीजिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन, तो आपका बन गया देखो फॉर्मल्डिहाइड, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। जब यहाँ डबल बॉन्ड से ब्रांचिंग होगा तब कीटो बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज, नोट डाउन कर लीजिए अब इसको।